देखिए दोस्तों, हमारे पीछे मक्का मस्जिद देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी मक्का मस्जिद है। देखिए वहाँ वजू खाना है। और ये देखिए पीछे बहुत बड़ी मक्का। और ये देखिए कब्र, जो कि हैदराबाद के है, 8वें निज़ाम थे, मीर मुकर्रम अली जहां बहादुर, उनकी कब्र है ये, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप के सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, जी हाँ मक्का मस्जिद, उसमें आए हैं और आपको मक्का मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे मक्का मस्जिद के बारे में, कब बनी है और कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया है और किसने बनाया है। तो अभी हम देखिए पीछे मक्का मस्जिद में है, आप देख सकते हैं यह मक्का मस्जिद जो कि 400 साल पुरानी है। तो हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और यह हमारे दोस्त मोहसिन खान, ये भी हमारे साथ में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम मक्का मस्जिद के लिए जा रहे हैं, देखिए रास्ते में है और देखिए सामने चार मीनार आपको नज़र आ रहा है जो कि मक्का मस्जिद के बाजू में है एकदम। और ये देखिए मार्केट, पूरा मार्केट रहता है यहाँ पे चार मीनार और मक्का मस्जिद के बाजू में, और बहुत बड़ा मार्केट है, ये सबसे बड़े मार्केटों में शामिल है हिंदुस्तान के चार मीनार। किसी को भी अगर शॉपिंग करना रहता है तो चार मीनार को जाके शॉपिंग करता है। देखिए सामने चार मीनार आप देख सकते हैं। और ये देखिए राइट साइड में ये जो है ये हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट को अंडर में है। और ये देखिए सामने चार मीनार, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो दो मीनार है वो मक्का मस्जिद है। तो आज हम आपको मक्का मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे और अंदर जाके पूरी डिटेल बताएंगे। और देख सकते हैं अब आसपास में पूरा मार्केट, पूरी शॉपिंग चल रही है यहाँ पर। और ये देखिए हॉस्पिटल यूनानी चार मीनार, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बड़ा टूरिस्ट प्लेस है चार मीनार। हमने इससे पहले आपको वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के नीचे जाके, पूरा डिटेल में हमारा चार मीनार का वीडियो है। अब चलिए हम आपको मक्का मस्जिद बताएंगे। ये देखिए गेट, जो कि मक्का मस्जिद की गेट है, हमको यहाँ से होके अंदर जाना है मक्का मस्जिद में। और ये गेट में देखिए आप, अंदर दिख रही है आपको मक्का मस्जिद, जो कि बहुत बड़े मस्जिद है और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल है ये, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे मक्का मस्जिद देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी मक्का मस्जिद है। देखिए वहाँ वजू खाना है। और ये देखिए पीछे बहुत बड़ी मक्का मस्जिद है, ये बहुत ही बड़ी, आप देख सकते हैं। और डिटेल में हम घुमाएंगे आपको। और ये इसका मैदान है, सामने जो कंपाउंड है इसका। और वहाँ देखिए वो हॉस्पिटल है और वहाँ चार मीनार देख सकते हैं आप। हम चार मीनार भी जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमारा चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद का जो सबसे बड़ा चार मीनार है और बहुत पॉपुलर है, वही बताएंगे हम आपको। तो देखते रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ था दोस्तों, जिसके बाद से यहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी रहती है, और जो भी लेडीज़ अगर अंदर जाती है तो यहाँ पे उनको हिजाब दिया जाता है, जो कि स्काफ रहता है वो पेन के अंदर जाना पड़ता है। विदाउट स्काफ लेडीज़ को अंदर अलाव नहीं है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसका हेरिटेज स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन और शानदार बना हुआ है, आप देखिए। यह है मक्का मस्जिद। इसकी डिटेल की अगर बात करूं मैं, हिस्ट्री की, तो इसको कुली कुतुब शाह के फोर्थ सन ने इसको तामीर किया था, जिसको बनाने में 10 साल लगे दोस्तों। और इनको जो लेबर लगा था बनाने के लिए वो 10,000 के करीब हुए थे। और इसको
400 चिल्लर साल पहले बनाया गया है दोस्तों, 1600 चिल्लर ईस्वी में। और ये देखिए चार मीनार, और यहाँ से चार मीनार के बाजू में ये मक्का मस्जिद है, आप देख सकते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें एट ए टाइम, एक ही टाइम पे 10,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, 67 मीटर है दोस्तों। देखिए आप इसके मीनार, और बेहतरीन व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, इसके सामने बहुत बड़ा कंपाउंड है, और पीछे जो है पानी का हाउस भी है दोस्तों, जो कि वज़ू करते हैं मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ने से पहले। और दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद के 8वें निज़ाम जो गुज़रे हैं, जिसने 4 साल हैदराबाद पे हुकूमत किया है, उनकी कब्र भी यहाँ पे है, जिनका इंतकाल 15 जनवरी को इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। देखेंगे यहाँ पे कब्र है उनकी, देखिए ये जो लाइन है, पूरे निज़ाम के ख़ानदान के लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए कब्र जो कि हैदराबाद के है, 8वें निज़ाम थे मीर मुकर्रम अली जहाँ बहादुर, उनकी कब्र है, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यह हाउस है जो कि मक्का मस्जिद के कंपाउंड में है, देख सकते हैं आप। और ये है मक्का मस्जिद, देखिए दोस्तों मक्का मस्जिद से चार मीनार भी नज़र आता है, देखिए आप। हम आप चार मीनार भी जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चार मीनार बताएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि मक्का मस्जिद में ठहरा हूँ मैं, और आपको चार मीनार नज़र आ रहा है। और ये देखिए मक्का मस्जिद, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आप। अभी हम बाहर आ गए हैं, और ये देखिए बाहर का मार्केट मक्का मस्जिद के बाहर का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।